केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव, श्रमिकों के हित के विपरीत कानून लागू करना, भारी संख्या में भारतीय रेल के खाली पदों को समाप्त कर हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर खत्म करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मैन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने बिलासपुर रेल जोन के तीनों रेल मंडल नागपुर, रायपुर, बिलासपुर से कुल 11 राष्ट्रीय सदस्य नई दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने दिल्ली के लिए रवाना हुए। नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मैन नई दिल्ली की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिनांक 17 एवं 18 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। NFIR के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एम राघवैया के नेतृत्व में 223वां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्किंग कमेटी की बैठक। इस बैठक में भारतीय रेल के 17 जोन के NFIR के राष्ट्रीय सदस्य शामिल होंगे। रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल अध्यक्ष एवं NFIR राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तपन चटर्जी के नेतृत्व में बिलासपुर रेल जोन के तीनों रेल मंडल नागपुर, रायपुर, बिलासपुर से कुल 11 राष्ट्रीय सदस्य नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में शामिल होंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव, श्रमिकों के हित में विपरीत कानून लागू करना, भारी संख्या में भारतीय रेल के खाली पदों को समाप्त कर हिंदुस्तान के बेरोजगारों को रोजगार देने का अवसर खत्म करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष चर्चाएं की जाएगी। आए हैं आप मजदूर कांग्रेस साउथ ईस्ट सेंट्रल में मजदूर कांग्रेस NFIR की तरफ से कहना चाहते हैं कि NFIR मजदूर कांग्रेस हमेशा रेल कर्मचारी और उसका परिवार के कल्याण के लिए हमेशा बात करते रहा, लड़ते रहा और सफलता लेके आया। तो अभी भी जो है NFIR के जो दो दिन के अधिवेशन में खासतौर पर LDC ओपन टू ऑल, स्टेशन मास्टर की जो है ओवर टाइम में जो ओवर टाइम पेमेंट नहीं हो रहा है उसके बारे में, और जो मैकेनिकल और SNT डिपार्टमेंट की जो कर्मचारियों की जो और ड्यूटी अलाउंस को दिलाने का, और जो रनिंग स्टाफ की जो बारे में बात करें, विभिन्न जो है इलेक्ट्रिकल जनरल और टेक्नीशियन की जो है मर्जर ग्रेड के बारे में बात करें, तमाम चीज़ों को लेकर जो है NFIR में बात होगा। और आने वाला समय में रेलवे बोर्ड से NFIR ने रेलवे कर्मचारियों के हित में सभी जो निर्णय को जो है लेके आएगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसके अलावा जो स्पेशल ट्रेन से जो नाम जो गाड़ियाँ चलती थी, तपन दादा ने GM से रेलवे बोर्ड से बात करके स्पेशल ट्रेन को जो है नॉर्मल नंबर में जो है चलाने का जो मजदूर कांग्रेस ने जो काम किया, इससे जो पब्लिक जो है एक्स्ट्रा जो पैसा दे के चलना पड़ता था उनको भी राहत मिला, साथ साथ रेल कर्मचारियों की जो पास में जो रिजर्वेशन नहीं होती थी वो अभी बंद हो गई, सभी कर्मचारियों को गाड़ियों में रिजर्वेशन मिलेगा। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राव रेलवे मजदूर कांग्रेस का जोनल संयुक्त महामंत्री CIC एरिया, और अभी वर्तमान में मुझे नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे मैन का राष्ट्रीय सदस्य बनाया गया है, जिसमें हम 17-18 को मीटिंग में शामिल हो ले, आज 15 तारीख को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और इस मीटिंग में जो मेन मुद्दा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जो देश के अंदर निजीकरण किया जा रहा है, आम जनता को महंगाई की मार, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है कि रेल के जो नौकरी की जो जितनी भी बेरोजगारी जो हमारे रेल में भर्ती होने से दूर होती थी, पूरे रेल के जितने खाली पद को समाप्त किया जा रहा है, और न्यू पेशेवर इसको उनको ख़त्म करने के लिए, ट्रैक मैनों को विभाग परिवर्तन करने के लिए ये राष्ट्रीय 17 जोन के राष्ट्रीय सदस्य आएंगे और ये मीटिंग संपन्न होगी दिल्ली में। बिलासपुर जोन से हमारे कुल मिलाकर 5 लोग हैं, रायपुर से 4 और 2 नागपुर से हैं। ये राष्ट्रीय जो 17 जोन के लोग आएंगे और वहाँ पर प्रस्ताव पारित होगा जिससे केंद्र के खिलाफ मजदूर विरोधी नीतियों और बेरोजगारों के लिए न्यू पेंशन स्कीम को बंद करके पुराना लाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी।